हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सुपर डुपर चीजी एंड टेस्टी चीज बॉल्स। कितने डिलीशियस लग रहे हैं, इसका चीज पूल कितना हेवनली लग रहा है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से चीजी, आपके मुंह में पानी जरूर आ जाएगा। तो ऐसी ही डिलीशियस रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक करें, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले ब्रेड क्रम्स। इसे बनाने के लिए 5 से 6 ब्रेड को इस तरह से तोड़कर मिक्सर में क्रश कर लेंगे। ज्यादा फाइन पाउडर ना बनाएं, आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स की जगह कॉर्नफ्लेक्स भी डाल सकते हैं। तो अब हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार है। अभी एक बाउल में 3 मीडियम से लार्ज साइज के आलू को मैंने बॉईल करके पील कर लिया है। इसे फॉर्क की मदद से अच्छे से मैश कर लीजिए। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पुराने वाले आलू लें, क्योंकि वो आलू चीज बॉल्स में बढ़िया टेस्ट और टेक्सचर देते हैं। अब इसमें डालें नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ऑरेगानो या मिक्स्ड हर्ब्स, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 2 टेबलस्पून कैप्सिकम बारीक कटे हुए, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून कॉर्न जो बॉईल किया हुआ है, 1 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब डालेंगे 1/3 कप ग्रेट किया हुआ प्रोसेस चीज। आप कोई भी चीज डाल सकते हैं। इसे एक बार अच्छे से मिला लीजिए। अब डालें 1/2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इसे अच्छे से मिक्स करके एक बार देख लीजिए, अगर मॉइस्चर ज्यादा लग रहा है तो 1 से 1/2 टेबलस्पून मैदा डालिए, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। अभी इसे हमें अच्छे से मिलाना है। आप देख सकते हैं कि एक डो की तरह सब कुछ अच्छे से मिक्स हो रहा है। अब डालें 1/2 कप मोजरेला और चेडार चीज। आप पिज्जा चीज भी डाल सकते हैं। ये वो हमें हेवनली चीज पूल देगा, सो इसलिए ये चीज डालना बहुत जरूरी है। अभी हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी मैं इससे मीडियम साइज के इस तरह से हाथों में रोल करके बॉल्स बना लूंगी। आप हाथ को गीला कर सकते हैं पानी या तेल से और इस तरह से मीडियम साइज के बॉल्स बना लीजिए। अगर आप चाहे तो ग्रेट किए बिना जो मोजरेला चीज के क्यूब्स होते हैं उसको भी आप इस तरह से इस बॉल्स में स्टफ करके भी डाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो अभी मैं एक एक करके सारे बॉल्स बना रही हूँ। अगर आपको मिक्सचर थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है तो आप चिंता मत कीजिए, हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से अभी मैं सारे बॉल्स बना रही हूँ। तो सारे बॉल्स रेडी है। इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दे, ताकि इसका टूट जाने का रिस्क कम हो जाए। अब एक बाउल में 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 3 टेबलस्पून मैदा लीजिए। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालना है। अभी हमें इसकी एक अच्छी सी स्लरी बनानी है। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ज्यादा गाढ़ी भी नहीं और ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से वो रेडी है। अभी चीज बॉल्स को हम एक एक करके इस तरह से पहले कॉर्नफ्लोर और मैदे के मिक्सचर में कोट कर लेंगे। धीरे से चम्मच से आप इस तरह से इसके ऊपर डालिए। अभी जो बॉल्स है उसके चारों तरफ इसको अच्छे से लगाना जरूरी है।
अगर ये अच्छे से कोट होगा तो चांसेस कम है कि आपके चीज बॉल तेल में टूट जाए, तो इसलिए इसे अच्छे से कोट करना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से अच्छे से कोट हो चुका है। अभी मैं इसमें हाथों से अच्छे से ब्रेड क्रम्स से कवर कर लूंगी। जो ब्रेड क्रम्स है उसमें से रोल करने से क्या हो जाएगा, वो ज्यादा क्रिस्पी भी बनेंगे और टेस्टी भी लगेंगे। तो इस तरह से आप सारे चीज बॉल्स को रेडी कर लीजिए। तो हमारे सारे चीज बॉल्स रेडी है फ्राई होने के लिए। अभी कढ़ाई में तेल गरम करके मीडियम आंच पर हमें सारे बॉल्स को एक एक करके फ्राई कर लेना है। अभी इसमें हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि एक तो आप चीज बॉल्स डालने के बाद तुरंत उसको ज्यादा हिलाइए मत, इस तरह से धीरे धीरे इसके ऊपर तेल डालिए और एक बार अच्छे से थोड़ा नीचे से फ्राई हो जाए उसी के बाद आप इसे टर्न कीजिए। अगर इसमें से थोड़ा बहुत चीज निकल रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से सारे बॉल्स को धीरे धीरे आप अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लीजिए और इसको एक पेपर टॉवल पर निकाल दीजिए। अगर आप इसे सुपर क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप इसे डबल फ्राई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे चीज बॉल को हम फ्राई कर लेंगे। तो इसे अभी रेडी है, अब हमें इसे गर्मा गर्म परोसेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही चीजी और टेस्टी बने हैं हमारे चीज बॉल्स। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।